हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंटरडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि 21 अगस्त को किस तरीके से मार्केट रही, किस तरीके से हमने देखा था कि जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है, बिल्कुल परफेक्टली उसी तरीके से अगर आपने ट्रेड लिया होता तो आप बहुत अच्छा खासा निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसा कमा गए होते। गाइस, जो आपको स्टॉक्स दिए गए थे उसकी भी हम बात कर लेते हैं, उन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा। उसके बाद हम बढ़ते हैं 5 स्टॉक्स जो चार्ट पे हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको मैं अगली स्ट्रैटेजी बताऊंगा वेडनेसडे के मार्केट में, थर्सडे के मार्केट के लिए, सॉरी। सो गाइस, सबसे पहले हम बढ़ते हैं कौन से स्टॉक्स थे। सो मैंने अपना आर्टिकल ओपन कर लिया है, आर्टिकल पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से ही रिमाइंड करके रखे हुए थे। मारुति की अगर हम बात करें तो मारुति मैंने आपको बोला था कि 6200 के आसपास आप बाय कर सकते हैं, और 6280 और 6335 ये दो लेवल्स हैं, वहाँ तक मार्केट जा सकती है, शायद कल ना जा पाए, परसों तक चली जाएगी। तो उसके लिए मैंने आपको कल के लिए 2 टारगेट दिए थे जो अचीव हो गए, 6280 भी अचीव हो गया गाइज हमारा टारगेट। अब चार्ट्स में हम दोबारा स्टडी करेंगे क्योंकि ये दोबारा बाय के लिए बन रहा है, क्यों बाय के लिए बन रहा है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मदन सुमी की अगर हम बात करें तो हमारा पहला टारगेट जो था इंट्राडे के लिए 100 का था। मैंने आपको बताया था गाइज कि आप क्लोजिंग बेसिस पे 95 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए, कल अचीव नहीं होगा तो 2-3 दिन के अंदर अंदर ये 103-104 तक का टारगेट अचीव कर देगा। सो आज जिसने हाई मारा है वो मारा है 99.70 का हाई, तो अराउंड 0.30 पॉइंट से ये इसके टारगेट मीट होने से रह गया। टाटा केमिकल्स की बात करें तो गाइज मैंने आपको बोला था 556 के आसपास आपको बाय करना है, तो वहीं पर जाके इसकी क्लोजिंग हुई है और वहीं पर ही वो पूरे टाइम ट्रेड करते रहा, तो इस पर तो कोई कॉल नहीं बन पाई। NIIT टेक की बात करें तो गाइज NIIT टेक मैंने आपको बोला था 1390 पे बाय करना होगा, पर 1390 एक बार भी पहुंचा नहीं, तो ये भी एक बाय काउंटर के लिए नहीं बन पाया NIIT टेक। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि अगर 1278 के ऊपर वो निकलता है तो फ्रेश बाय पोजीशन बनाइए, अगर 1278 के नीचे आधा घंटा कंसोलिडेट भी कर ले तो आपको लोअर लेवल्स देखने को मिल जाएंगे और वहाँ से आप 10 से 12 पॉइंट टारगेट अचीव करके चल सकते हैं। तो गाइज वही हुआ, हमने देखा कि इसने हाई मारा 1278.5 और 0.6 का मारा और एग्जैक्ट वहाँ से हमें एक नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिल गई, तो हमारा टारगेट रिलायंस में भी एकदम अचीव हो गया था। अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी होगी और जिस तरीके से मैंने आपको चार्ट्स में एक्सप्लेन करा होगा, अगर आपने वो ध्यान से सुना होगा तो। अब हम बढ़ते हैं 5 स्टॉक्स जो आप कल मार्केट पे ट्रेड करके चल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है SRF। SRF की तरफ हम बढ़ते हैं, SRF पे हमें से क्या शो कर रहा है कि इस पर मैं आपको एक कॉल दे रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम ट्रेंड लाइन एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या सजेस्ट कर रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं ऊपर के जो हाईज है उन पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। मैंने एक ऊपर हाईज पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, अब मैं एक बॉटम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक बॉटम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जी गाइस। ये मैंने एक हाईज को टेस्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाई है, एक बॉटम को टेस्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाई है। देख सकते हैं गाइज यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन को मीट नहीं करा, ज़रूरी नहीं है कि हमें सब बॉटम को मीट करना हो, क्योंकि गाइज सबसे पहली बात ये एक अर्ली चार्ट है, एक बार थोड़ी बहुत डिप मिल सकती है, क्योंकि पूरा पैटर्न एक परफेक्ट पैटर्न नहीं बन सकता चार्ट में, पूरी तरीके से हम एक परफेक्ट पैटर्न नहीं बना सकते, कुछ थोड़ी बहुत हम देख सकते हैं कि ऊंच नीच हो सकती है इन पैटर्न पर। सो वही आप देख सकते हैं जो मैंने लाइन बनाई है, यहाँ पर एक बार सपोर्ट देखने को मिला, यहाँ पर भी सपोर्ट देखने को मिल चुका है, इधर भी सपोर्ट देखने को मिला, इधर भी मिला और इधर भी मिला गाइस। सो गाइस SRF पे आज मैंने अपने ट्रेड डीलर्स के टेलीग्राम चैनल पे भी बाय कॉल दी थी और बाय कॉल देके हमारा टारगेट अच्छा खासा जो टारगेट था वो भी अचीव हो गया। उसके साइड बाय साइड मैंने अपने क्लाइंट्स को भी SRF पे फ्यूचर भी बाय करवाया है और ऑप्शन भी बाय करवाया है, और हम एग्जैक्ट जो हाई मारा है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे निकले हैं। क्यों निकले हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्या ऐसा मुझे शो करा कि मैंने सोचा कि मैं वहाँ से एग्जिट करवा दूँ उन्हें, बहुत बढ़िया टारगेट्स के साथ यहाँ कम से हम 20-25 हज़ार रुपये ये इस पर्टिकुलर स्टॉक से लेकर निकले गाइस। अब हम बढ़ते हैं सॉरी गाइस, अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये पैटर्न बनाया, उसके बाद मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं यहाँ से एक पर्टिकुलर स्टॉक में हमने अप मूव देखने को मिली थी, यानी कि एक ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, तो यानी कि ये बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड जो होगी वो ऊपर की तरफ ज़्यादा हो सकती है एज़ कम्पेयर टू नीचे की तरफ ये ब्रेकडाउन है। पर गाइस अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है। सबसे पहले देखिए मैंने एक फ्लैग पैटर्न को आइडेंटिफाई करा,
आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने देखा कि कम से कम अगर हम रेशियो नापे तो 70-80% चांसेस होते हैं जब बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता है तो वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है यानी नीचे की तरफ नहीं देता। उसमें अब हमने ट्रेड कैसे लिया, आप देख सकते हैं मार्केट ओपन हुई, पर्टिकुलर जो SRF का स्टॉक था वो उसकी जो क्लोजिंग थी एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन पे हुई थी। जब मार्केट में इसमें ओपनिंग हुई तो मार्केट की ओपनिंग में ये खुला 2850 के आसपास। मैंने अपने क्लाइंट्स को फ्यूचर जो बाय करवाया वो करवाया 2870 का, 2870 का फ्यूचर बाय करवाया और 2829-20 पे एग्जिट कराया था, यानी कि 50 रुपये हम SRF से लेकर निकले हैं गाइस फ्यूचर में, जिसका लॉट साइज भी आप मान सकते हैं कि 200 से 250 शेयर का है। पर गाइस इसके साथ साथ हमने एक ऑप्शन भी बाय कर रखा था जो हमारे ऑप्शंस के अलग से क्लाइंट्स हैं और उस पर भी उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अब गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले इमेजिन ये करा कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ नहीं तोड़ेगा, तो अभी मैंने यहाँ पर एक बाय कॉल दी। आप देख सकते हैं कि मार्केट कितनी वीक थी और मार्केट इतनी वीक होने के बाद भी मैंने अपने क्लाइंट्स को इसमें बाय कॉल प्रोवाइड कराई। गाइस 1 बजे तक हमने ये पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके रखा मार्केट इतनी वीक थी तब भी, क्योंकि गाइस देख सकते हैं मार्केट वीक है पर जब पैटर्न सजेस्ट कर रहा है कि ये यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा और एग्जैक्ट उसी सपोर्ट पे खड़ा है, सो गाइस क्यों हम अपने क्लाइंट्स को बाय की पोजीशन नहीं दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम्स कितनी जनरली यहाँ पर इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिले। अब मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट मैंने अपने क्लाइंट्स को एग्जिट कैसे करवाया बिल्कुल परफेक्ट टारगेट पे। अब मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करता हूँ गाइस, आप देखिएगा मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करने वाला हूँ। जी गाइस आप देख सकते हैं मैं ऐसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। जी गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बीच में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। ये मैं मिड का पॉइंट आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको बस इतना समझा रहा हूँ कि यहाँ से मैंने एक परफेक्ट टारगेट और एग्जिट पॉइंट कैसे नापा। आप देख सकते हैं मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर कितने टाइम कंसोलिडेट करा, इसको सपोर्ट मानते रहा, यहाँ पर ये कितने टाइम सपोर्ट मानते रहा आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, ब्रेकडाउन देखने के बाद हमने देखा इसी लाइन को हमने रेजिस्टेंस फेस करा, कितने टाइम तक हम इस लाइन को रेजिस्टेंस फेस करते रहे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा, हमने रेजिस्टेंस फेस करने के बाद यहाँ पर एक अपसाइड दी और हम ऊपर गए फिर नीचे। सो गाइस अब मेरे लिए टारगेट यही था कि गाइस अगर मुझे इसके आसपास मिलता है तो मैं इस ट्रेंड लाइन के अगर मुझे लगता है कि इस आसपास आ रहा है, क्योंकि गाइस देखिए अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने हायर लेवल के रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना है अगर वो करती है सो गाइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर उसे क्रॉस करना पड़ेगा। मैंने देखा कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्रॉस कर दिया तो गाइस मैंने यहाँ से एग्जिट पोजीशन बना ली है। क्यों बना ली गाइस, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी, चार्ट्स में बहुत ज़्यादा वीक लग रही थी मार्केट, तो मैंने सोचा कि इस पोजीशन को हम ज़्यादातर होल्ड रखें, ज़्यादा प्रॉफिट की लालच में जाए, इससे ज़्यादा हम इसे एग्जिट कर दें। सो गाइस अब हमें कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कल के लिए हमारे लिए स्ट्रैटेजी ये होगी गाइस, जैसे अगर ये आप देख सकते हैं कि ये 2888 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, आपको ये थोड़ी बहुत डिप देता है, आप उस डिप को एक्यूमुलेट करिए, बाय करिए और वहाँ से बाय करने के बाद जो आपका पहला टारगेट होगा वो होगा 2907-2908 का, सेकेंड टारगेट जो होगा वो होगा 2930 का टारगेट। यहाँ तक हम एक्सपेक्ट करें कि SRF जा सकता है और मुझे लगता है कि शायद कल या परसों 2 दिन के अंदर अंदर ये अपनी हायर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट कर दें। सो गाइस वेट एंड वॉच, मुझे लगता है कि SRF आपको अच्छा खासा रिटर्न दे जाएगा और अगर ये अपर साइड में ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हमारे लिए नए टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि ब्रेक होने के बाद इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसको जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक हम अपनी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाएंगे। जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में चार्ट्स कैसे देखते हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब हम बढ़ते हैं जस्ट डायल पे। सो गाइस जस्ट डायल पे मैं आ गया हूँ, जस्ट डायल पे अब हम अपना आर्ली चार्ट ओपन करते हैं। जी गाइस एक सेकेंड। जी गाइस सो गाइस मैंने यहाँ पर जस्ट डायल का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि जस्ट डायल किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसे ना मैं एक्सटेंड भी कर देता हूँ, ये देख सकते हैं मैंने इसे एक सेकेंड, अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा था, यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है,
यहाँ पर भी कितनी बार कंसोलिडेट करा और सपोर्ट लिया। अब आप देख सकते हैं गाइस, हमने देखा कि एग्जैक्ट इस लाइन को इसने ब्रीच करा, इसके नीचे नहीं क्लोज दे पाया और हमने एक अप मूव देख ली। सो गाइस, अब हमारे लिए एक बाय टारगेट बनता है। बाय टारगेट कब बनता है वो लेवल मैं आपको अब बताता हूँ। वो बाय लेवल क्या है कि आप देख सकते हैं, मैं एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ। जी गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर ने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट ले चुका है, इधर सपोर्ट ले चुका है, ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद हमने जो हमारी प्रीवियस जो सपोर्ट लाइन थी वहाँ पर रिस्पेक्ट दिया, ऊपर गया, इस लाइन को इसने फिर रेजिस्टेंस की तरफ फेस करा और आखिरी में जाकर इसने ब्रेकआउट दिया। गाइस इसी तरीके से है कि अगर मार्केट में अब आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक कल इसकी जो क्लोजिंग है वो 681.90 की है, अभी अगर आपको 681.90 के ऊपर मिलता है, यानी कि अगर आपको ये 683 के आसपास मिलता है, 684 के आसपास मिलता है, तो फ्रेश बाय पोजीशन बनाइए। वहाँ पर जो हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 700 के आसपास के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो इसका प्रीवियस हाई है। और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वो स्टॉप लॉस आपको मैं बता देता हूँ क्या मेंटेन करके रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा 674 का, इसका आपको प्रीवियस लो का, आपको स्विंग का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अर्ली चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ था, यहीं पर ही मैंने आपको ये बताया। अब मैं आपके लिए एक ट्रेंड लाइन और बना देता हूँ सारे रेजिस्टेंस को देख के। ये देख सकते हैं गाइस, मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं कि मुझे अपना एक अपर टारगेट देखना था। आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करी, यहाँ से पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर गया अपने हायर ट्रेंड लाइन को, जो इसका रेजिस्टेंस बन रहा था। मैं देखिए मिड वाली पॉइंट के भी ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, आपको क्लियरली जस्ट डायल का व्यू समझ में आ जाएगा जो मैं आपको समझाऊंगा। मैं जूम आउट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया, मैंने यहाँ पर हायर जो हाईज है उनसे एक रेजिस्टेंस बनाई ट्रेंड लाइन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने रिस्पेक्ट दिया, नीचे आ गया, यहाँ रिस्पेक्ट नहीं दे पाया, यहाँ पर दोबारा नीचे आ गया। सो मेरे हिसाब से मैंने इंट्राडे में वॉच करा कि अगर ये हो सकता है यहाँ पर ऊपर इसको टेस्ट करे और दोबारा नीचे आ जाए। हाँ गाइस, अब जब मार्केट ओपन हुई ये ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन को रेस्ट करा और दोबारा नीचे आ गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसने दोबारा अप मूव दिखाई और एग्जैक्ट जाके इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके एक ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद हमने देखा कि इस लेवल पे जब इसने ब्रेकआउट दिया, हमने देखा वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिले। सो यानी कि ये एक बाय काउंटर बन सकता है। कल अगर आपको ये थोड़ी बहुत डिप देता है, 2-3 रुपये डिप देता है, तो आप इसे एक्यूमुलेट मत करिए। जब तक ये आपको 683-684 के ऊपर नहीं मिलता, तब तक आपको इस जसडाल को बाय नहीं करना। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम नहीं देख रहे हैं, नीचे जितना चले जाए, पर जब तक ये 6684 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक हम इसे बाय नहीं करना फॉर अ टारगेट ऑफ 700। अब गाइस आते हैं उज्जीवन में। उज्जीवन में हमें ऐसा क्या देखने को मिल रहा है? उज्जीवन पे आज हमने अपनी ऑप्शन के थ्रू पुट बाय करवाई थी और हम अच्छे खासे टारगेट के साथ निकल गए थे, यानी कि 2 रुपये लेकर निकले थे, पर यानी कि 3200 रुपये का प्रॉफिट हमें उज्जीवन में मिला था गाइस। सो गाइस, उज्जीवन पे ये पर्टिकुलर मैंने कॉल क्यों दी थी वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ और वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको पता चल जाएगा, देख सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, आप देख सकते हैं यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस करा, कंसोलिडेट करा, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करके एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जब भी इसने इस लेवल को टेस्ट करा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेट करा और फिर बाउंस करा, इस लेवल को नहीं तोड़ा, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल रहा। उसके बाद आप देख सकते हैं अगली बार जब इसने इस लाइन को रिस्पेक्ट दिया, हमने देखा कि दोबारा वहाँ पर रिस्पेक्ट दिया और एक और अप मूव आ गई। अब देखिए गाइस, हो दोबारा वो ही रहा, ये दोबारा इस लेवल पे आ रहा है और इस लेवल को रिस्पेक्ट दे चुका है। इसने जो आज का लो मारा है गाइस, वो जो लो मारा है वो है 255-256 का, और जो इस ट्रेंड लाइन का जो लो बनते हुए आ रहा है वो आ रहा है 254 के आसपास का। यानी कि ये यहाँ से एक दोबारा बाउंस दे सकता है, क्योंकि ये एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पर गाइस, मैंने यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी थी जब ये 268-269 पे ट्रेड कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था ये इस ट्रेंड लाइन को एक बार सपोर्ट जरूर देगा, इस ट्रेंड लाइन पे एक बार टेस्ट जरूर करेगा। तो मैंने इंट्राडे पे एक ऑप्शन के थ्रू स्ट्रैटेजी बनाई और मैंने उन क्लाइंट्स को अपने प्रोवाइड कराई और वहां पर जाके उन्हें बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, मैंने उन्हें भी प्रोवाइड कराया था इस पर्टिकुलर उज्जीवन पे शॉर्ट। सो गाइस, अब मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट की तो इंट्राडे था, क्योंकि जो मेरा एक लेवल था वो अचीव हो गया, पर अब ये हमारे लिए एक बाय काउंटर बन रहा है। पहला बाय काउंटर क्यों बन रहा है, पहला पॉइंट क्यों है बाय करने का, वो मैंने आपको बता दिया। एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है जो हमें सजेस्ट कर रही है कि यहाँ पर
सपोर्ट ले सकती है। यहाँ से 3-4 रुपये अगर आपको नीचे मिलती है तो बाय करिए, सपोर्ट देगी आपको और वहाँ से एक हम उछाल देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपको अर्ली चार्ट में लेकर चलता हूँ, अर्ली चार्ट पे भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक नीचे आया, स्टॉक ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया अपने प्रीवियस हाई को, स्टॉक नीचे आया और नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा। यह पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको पता होगा, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मुझे आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। पर जिन लोगों ने भी नहीं मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो इस पैटर्न का नाम है साइफर पैटर्न, और ये साइफर पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है और यहाँ से हम देखते हैं कि एक अपमूव आती है और अपमूव से कम यहाँ से अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 260 के आसपास तो ये यहाँ से इसको 261, 262, 272 तक आराम से लेकर जा सकती है, यानी कि उज्जीवन में हम 10 रुपये की मूवमेंट आराम से देख सकते हैं। शायद कल ना आए तो परसों तक ज़रूर आ जाएगी गाइस। अब यहाँ पर मैंने बाय सिग्नल तो एक आपको बता दिया जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है उसके लिए, और ये कैसा बना है गाइस, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ साइफर को किस तरीके से एग्जामिन करा जाता है, कैसे पता लगाता है कि एक ही साइफर पैटर्न है। मैं फिबोनाची का यूज़ करूँगा क्योंकि फिबोनाची बेस्ट टूल है जो हमें बताएगा कि ये साइफर पैटर्न बना है या नहीं बना। बॉटम से मैंने एक अपर साइड में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं कि ये मान के चलते हैं एक्स, हम देखें इस पर्टिकुलर जो स्पॉट्स हैं उनको हम नाम दे देते हैं, ठीक है गाइस। ये जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन, ये है एक्स ए, ये एक्स है पॉइंट, ये पॉइंट ए है। हमने एक्स और ए पे एक फिबोनाची ड्रॉ करा तो ये लेवल क्या हुआ, ये लेवल हुआ बी। तो यानी कि बी का हम कैसे पता लगाएंगे कि बी कहाँ तक गिर सकता है, बी गिर सकता है 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक एक्स ए के फिबोनाची में, या फिर 61.8% के रिट्रेसमेंट लेवल पर। आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक कम से कम 5 to 6 times 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे कंसोलिडेट करा और उसके बाद जाके अपमूव दिए इसने। अपमूव देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऊपर गया और फिर नीचे आया। अब नीचे आने के बाद मैं अब आपके लिए एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और आपको पता चल जाएगा कि ये डाउन साइड कैसे पता लगाई हमने ये, क्योंकि ये कहाँ तक ये गिर सकता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें एक सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और 78.6% का रिट्रेसमेंट लेवल लेना पड़ेगा, क्योंकि साइफर ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल यूज़ होता है कि हम गिरावट पता लगा सकते हैं और एक रिवर्सल की चांस है, ये जो यहाँ से रिवर्स हुआ है ये हम पता लगा सकेंगे कहाँ से हमें रिवर्स मिलेगा। सो गाइस जो इसका हाई है, मैंने हाई पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है गाइस। एक सेकेंड, मुझे बॉटम से इसको ड्रॉ करना होता था। मैंने यहाँ पर एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर दिया गाइस, जी गाइस आप देख सकते हैं, यानी कि जो इस गिरावट की मूवमेंट जो एक जितना गिरना चाहिए था वो गिरना कहाँ तक चाहिए था, ये पर्टिकुलर 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल और 100% रिट्रेसमेंट लेवल के बीच में। 100% को नहीं तोड़ना चाहिए था और इसके ऊपर भी नहीं होना चाहिए था। तो हमने देखा कि ये इसके अंदर ही कंसोलिडेट करा और उसके बाद अब 78.8% के रिट्रेसमेंट लेवल पे ये दोबारा आ गया। सो यानी कि इसकी क्लोजिंग कितने पे है, 261 पे। उज्जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग है 261 पे। कल आपको इसको बाय करके चलना है उज्जीवन पे, कब, जब 263 यानी कि जो 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है, जैसे ही ब्रेक होता है 263 का लेवल बाय करिए। टारगेट जो आपका सबसे पहला टारगेट होगा इंट्राडे पे वो होगा 269, सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 275। यहाँ तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उज्जीवन के अंदर। बट अगर ये उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाती, 273 को होल्ड नहीं कर पाती, और हम देख रहे हैं कि मार्केट भी बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, तो यहाँ से भी आप एक सेलिंग पोजीशन इनिशिएट करके रख सकते हैं, और आप वहाँ से अगर आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे तो आप टारगेट इनिशिएट कर सकते हैं 254 तक, जो कि 100% रिट्रेसमेंट लेवल है, ठीक है गाइस। आपको दोनों तरीके से बता दिया, मैंने आपको नीचे का पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए दिया क्योंकि ज़्यादातर ये मार्केट के हिसाब से चलता है, इसलिए मैंने आपको ये दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू दिया। पर मेरे हिसाब से जो पैटर्न सजेस्ट कर रहे हैं, जो बुलिश साइफर है, जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट में वो आ चुका है, सजेस्ट यही कर रहा है कि जीवन को बाय करके चलिए। थोड़ी बहुत डिप मिलती है, 5-6 रुपये की डिप मिलती है तो बाय करिए, एक्यूमुलेट करिए, या फिर जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 263 के ऊपर बाय करिए और आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब आते हैं गाइस हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे क्या चल रहा है, इस पे भी आज हमने अपने क्लाइंट्स को बाय की रिकमेंडेशन दी थी,
टेलीग्राम पे भी हमने बाय की रिकमेंडेशन दी थी। गाइस अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, अगर आप ऐसी मेरी वीडियोस देखेंगे, सो गाइस आप डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करेंगे, आप डेली इनकम अर्न कर सकते हैं और डेली इनकम आप डेली सेविंग कर सकते हैं, जो भी आपको मैं प्रॉफिट अर्न करवा के दूंगा। आप ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, आप कुछ कुछ प्रॉफिट लीजिए। मैं अगर आपको 3 स्टॉक इंट्राडे पे देता हूँ तो आप सिर्फ 3 स्टॉक पे कुछ कुछ अमाउंट लेकर एग्जिट कर जाइए, उसके बाद चाहे मार्केट आपको 100 रुपये के ऊपर मूवमेंट दे दे या 100 रुपये के नीचे मूवमेंट दे दे। क्योंकि अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करके नहीं चलेंगे तो आप मार्केट में पैसा कमा नहीं पाएंगे। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ पे। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ पे मैंने अपने क्लाइंट्स को एक बाय रिकमेंडेशन कॉल ऑप्शन के थ्रू दिया है, फ्यूचर के थ्रू इसलिए मैंने नहीं दिया क्योंकि ज़्यादा अभी हम इस पैटर्न पे बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि ये पैटर्न पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। सो गाइस इसलिए मैंने एक कॉल ऑप्शन के थ्रू दिया है क्योंकि अगर यहाँ से एक मूवमेंट आती है तो एक शार्प मूवमेंट आ सकती है। सो गाइस ऐसा क्या पैटर्न बन रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने एक सबसे मैं ट्रेंड लाइन ओपन कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने एक अपने क्लाइंट्स को बाय की रिकमेंडेशन दी है। देख सकते हैं जी गाइस, मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब सबसे पहले आप वॉच करिए कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करी, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करी, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करी, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करी, और हमने देखा कि आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट देखने को मिला, हमने देखा है वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए, प्रीवियस से ज़्यादा हम देख रहे थे, इतने टाइम से इतने वॉल्यूम्स इंक्रीज नहीं हुआ था, प्रीवियस वॉल्यूम इंक्रीज हुए और वहाँ से हम एक वेट करा। गाइस आप देख सकते हैं कि उसके बाद हमने एक फ्रेश पोजीशन इनिशिएट कब करी, जब ये दोबारा इस लेवल पे आया 2738। ये पैटर्न क्या बन रहा है आप खुद ही देखकर पहचान गए होंगे, ये पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देख सकते हैं गाइस, इसे हम कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और इस पर हमने एक बाय कॉल भी दी थी अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ब्रेकआउट देखा था, हैवी वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए देखे थे हमने। सो गाइस हमने यहाँ पर एक बाय कॉल प्रोवाइड करी। उसके बाद मैंने जब और स्टडी करी कि ये और ऊपर क्यों नहीं जा रहा, तो तब मुझे पता चला कि ये और ऊपर क्यों नहीं जा रहा। गाइस अब देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ, वो आपके और काम आएगी जी गाइस। मैंने यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करी हुई है, देखिए यहाँ पर कितना हमें स्टिफ रेजिस्टेंस देखने को मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला था, यहाँ पर इसने एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने को मिला और दोबारा हमने देखा, आप देख सकते हैं गाइस, सिर्फ इसने शेडो ऊपर की तरफ छोड़ी, बॉडी इस लाइन के अंदर ही रही और उसके बाद हम थोड़ा बहुत नीचे चले गए और प्रीवियस हाई जो बॉट ट्रेंड लाइन थी उसको भी हमने नीचे की तरफ तोड़ने में कामयाब हुआ। सो गाइस अब हमारे लिए एक ये बाय पोजीशन अभी भी है, पर बाय पोजीशन कब है और शॉर्ट पोजीशन कब है, क्योंकि गाइस ये पर्टिकुलर 2-3 स्टॉक्स में आज आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें दोनों तरीके से प्रॉफिट मिल सकता है, सिर्फ आपको लेवल्स याद रखने पड़ेंगे। 740 है, 3-3 रुपये का डिफरेंस लेकर हम चल रहे हैं इसमें, 3 रुपये आपको ऊपर मिले और वहाँ पर वेट होल्ड कर रहा होगा इस, यानी कि 743 744 के ऊपर अगर ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज होल्ड कर रहा है, बाय करके चलिए, जिसका टारगेट हो सकता है 753 से 757 तक का हो सकता है। अगर ये 736 के नीचे अगर आपको मिलता है और होल्ड करता है तो वहाँ पर आप अपनी एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, वहाँ से आपको 725 तक के टारगेट भी अचीव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्यों, अब वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वैसे अब आप देख सकते हैं कि जो अपर रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है वो है 744 के आसपास, तो यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर इस लाइन के ऊपर निकलता है ये पर्टिकुलर स्टॉक तब आपको एक फ्रेश बाय पोजीशन बनानी है, अगर ये इसके नीचे ही कंसोलिडेट करते रहता है और हम देखते हैं कि 730 ये जो इसने लगातार 5 कैंडल्स आर्ली चार्ट में कैंडल्स बनाई है, अगर उसके लो को तोड़ देता है जो कि मैंने आपको बताया 3-4 रुपये, यानी कि 736-737 के नीचे तोड़ के चले जाता है और रुकता है थोड़ी देर होल्ड करता है तो वहाँ से हम 725 तक के टारगेट्स भी अचीव कर सकते हैं। गाइस इसी तरीके से अगर आप मार्केट में स्ट्रैटेजी बनाएंगे इस तरीके से, आपके वॉच लिस्ट में कम से कम 100 स्टॉक्स होंगे, आप सारे स्टॉक्स को एक साथ देखकर अगर आप ट्रेड लेने बैठेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पैसा गंवा देंगे। मेरे आपको ये जो आपको मैं ये चार्ट्स में अब आपको सिखाना शुरू कर रहा हूँ इसका मतलब यही है
मार्केट ओपन हुए तो आप ये सिर्फ अपने सामने 5 शेयर ही रखिए। चार्ट में देखिए, जब आपको जो लगे, जो मैंने आपको सिखाया है, साइड में मेरी वीडियो ओपन करके रखिए, जैसा मैंने आपको सिखाया है वैसा अगर काम कर रहा है तो बाय, जैसा नहीं काम कर रहा तो शॉर्ट। बिल्कुल अगर आप ऐसे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप गाइज पैसा कमाएंगे। और मेरे पूरे टारगेट के लिए आप प्लीज़ वेट मत करा करिए, क्योंकि गाइज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मैं आपको परफेक्ट टारगेट नहीं बता सकता। पर गाइज अगर आपको टारगेट के आसपास मिलता है तो प्लीज़ प्रॉफिट बुकिंग करके दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ जाइए करिए। अब हम आते हैं मारुति पे। मारुति मैंने आपको कल अपनी वीडियो पे पहले ही बता दिया था कि इस पे भी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इसने एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद हमने देखा था बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स, यानी कि प्रीवियस 10-12 दिन से 2-3 हफ्ते के वॉल्यूम्स का अगर हम कंपेयर करें तो उससे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स इसने इसी दिन में बनाए। उसके बाद आप देख सकते हैं कैंडल कितनी पॉजिटिव कैंडल थी, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी इसकी बॉडी थी। पर अब आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आज क्या करा। मैंने आपको बताया था गाइस आपको क्या करना है, मैंने आपको यही बताया था गाइस, अगर आपको इस लाइन पे मिलती है कभी भी आपको मारुति, तो इस मारुति पे आपको बाय करना होगा। क्यों बाय करना पड़ेगा इस लाइन पे अगर आपको मिलती है? क्योंकि गाइस यहाँ से जैसे इसने ब्रेकआउट दिया तो हमने एक अप मूव देखी, वहाँ से हमें एक बाय करने का मौका नहीं मिला। तो मारुति ने क्या करा, मारुति ने पर्टिकुलर सारे स्टॉक्स ये करते हैं, वो पर्टिकुलर स्टॉक्स सारे एक बार डाउन नीचे चले जाते हैं और लाइन को एक बार टेस्ट करती है। क्योंकि अगर जैसे हम जैसे रिटेल निवेशक बाय नहीं कर पाए तो वो लोग बाय कर ले। तो गाइज अगर यहाँ पर किसी ने इस ट्रेंड लाइन पे बाय करा होता, मेरी वीडियो देखी होती और बाय करा होता, तो गाइज यहाँ पर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे होते। और यहाँ पर भी हमने आज अच्छा खासा पैसा कमाया मैंने, क्योंकि आपको बाय की रिकमेंडेशन भी दी थी। अब आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी इसने बॉडी बनाई है, और एग्जैक्ट वॉल्यूम एग्जैक्ट अगर हम कंपेयर करें तो उसके बराबर ही वॉल्यूम्स हैं। सो यानी कि अभी भी ये एक बाय काउंटर बनता है मेरे लिए, अभी भी आप इसको डिप पे बाय करके चल सकते हैं। इसका टारगेट जो सबसे पहला निकल के आ रहा है वो आ रहा है 6280 का लेवल, 6280 का लेवल है। उसके बाद जो आ रहा है यानी कि यहाँ से 30 रुपये ऊपर हम मान के चल सकते हैं, और उसके बाद जो सेकेंड टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 6335 का लेवल, यानी कि यहाँ से हम 35 से 80 पॉइंट तक की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के कल मारुति के अंदर। बाय करके चलिए, प्रॉफिट बुक ज़रूर कर लीजिएगा, बिल्कुल भी ज़्यादा टारगेट के लिए वेट मत करिएगा। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी पे। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज मेरी अगर आपने वीडियो देखी होती गाइज आज के ट्रेडिंग सेशन पे, तो आपने डेफिनेटली गाइज 200 पॉइंट या 250 पॉइंट बैंक निफ्टी में कमाया होता, और 100 पॉइंट आपने पूरा का पूरा निफ्टी में कमाया होता। कैसे कमाया होता वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जी गाइज मैंने आपको कल अपनी वीडियो पे पूरा बोला था कि जो रिस्की ट्रेडर्स हैं शॉर्ट करके चल सकते हैं। शॉर्ट करके क्यों चल सकते हैं? क्योंकि ये एक बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार ये नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ जाएगा जो उसका टारगेट होगा वो होगा जो इसका प्रीवियस सपोर्ट है, और प्रीवियस सपोर्ट में मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई, और एग्जैक्ट वहाँ पर ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के लोज हैं। अब आप देखिएगा इसे, मैं इसे जूम करता हूँ, आप देखिए मार्केट कैसे स्टार्ट हुई। मार्केट की क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर कल, यानी कि 11,018 पे। हमने देखा कि मार्केट 2 घंटे तक तो स्टैंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड करती रही। मैंने आपको क्या बताया था, जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो क्या करें, सेफ ट्रेडर्स हैं वो करें जब ट्रेंड लाइन नीचे जैसे ही ब्रेक होती है वैसे ही आपको एक शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट कर लेनी है, और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ तक का लेवल। और जो रिस्की ट्रेडर्स हैं उसके लिए मैंने क्या कहा था, मार्केट ओपन होते ही आप एक शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और हमारा टारगेट क्या होगा यहाँ तक, वही हुआ। आप देख सकते हैं लेवल ब्रेक हुआ, कहाँ पर लेवल ब्रेक हुआ, 11,000 का लेवल जैसी ब्रेक हुआ वैसे ही हमने शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करी। हम अगर इस टारगेट के लिए वेट कर रहे होते तो 10,926 यानी कि 80 से 90 पॉइंट तक के टारगेट्स अब अचीव कर चुके होते निफ्टी के अंदर, और पैसा बना चुके होते गाइस। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो टारगेट और स्टॉप लॉस देखने के लिए या मेरे लेवल्स को नोट करने के लिए बिल्कुल मत देखिए। आप तभी पैसा कमा पाएंगे अगर आप समझेंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या दिखाना चाह रहा हूँ। इसी में आपका पैसा बनेगा गाइस, तभी मैं आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। दूसरी बात, अगर हम बैंक निफ्टी में जाते हैं तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको क्या बताया था गाइस वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई थी वो क्लोजिंग हुई थी एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन पे, आप देख सकते हैं 27,890 के आसपास यहाँ पर मार्केट की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी। मैंने आपको बोला था बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके चली, क्योंकि उसके इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है या थोड़ी बहुत अप मूव ले तो उसको शॉर्ट करिए, वही हुआ।
मार्केट थोड़ी या बहुत अपमूव दी, जैसे उसने दोबारा स्टैंड लाइन को टेस्ट करा नीचे की तरफ, किस लेवल पे टेस्ट करा आप देख सकते हैं गाइस, 27,920 के लेवल पे। मैंने आपको बोला जैसी ट्रेंड लाइन ब्रेक करे आपको शॉर्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, मैंने ये ट्रेंड लाइन अब नहीं बनाई हुई है गाइस, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी ये ट्रेंड लाइन बना के दिखाई हुई थी कि यहाँ तक आप जाके देख सकते हैं, यानी कि 200 पॉइंट का आपको इसमें बैंक निफ्टी में टारगेट आराम से अचीव हो जाता गाइस। हमने देखा कि टारगेट ट्रेंड लाइन के नीचे ही जाके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग करी है, पर गाइस बहुत क्रूशियल लेवल है 11,900 और 27,700 का लेवल। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होते हैं तो यानी कि जो डाउनसाइड है वो बहुत ज़्यादा डीप है। कैसे? बैंक निफ्टी की अगर हम डाउनसाइड की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर 27,700 को क्लोजिंग बेसिस में या 2-3 घंटे तक हम देखते हैं कि उसके नीचे ही रहती है, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 27,400 का होगा, यानी कि यहाँ से 300 पॉइंट की और गिरावट आ सकती है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे 2-3 घंटे और गुजार देता है, या अगर हम वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए देखते हैं ट्रेंड लाइन के नीचे, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा गाइज, वो नेक्स्ट टारगेट होगा 10,780, यानी कि यहाँ से 120 से 130 पॉइंट की गिरावट हम और मान के चल सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया। अब हमें क्या करना है बैंक निफ्टी और निफ्टी की स्ट्रैटेजी पे, तो गाइज मैं अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने बैंक निफ्टी पे एक बाय की कॉल दी थी, मैंने अपने क्लाइंट्स को, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे बाय की कॉल दी थी। मैं उसमें आधे घंटे का चार्ट ओपन करता हूँ, फिर आपको पता चलेगा गाइस, ठीक है। मैंने अपने क्या करा था, एक सेकेंड मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर दूं। हाँ, सो मेरे हिसाब से क्या था गाइस, मैंने यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को 27,800 की कॉल बाय करवाई थी, 110 रुपये में बाय करवाई थी, 110-115 रुपये में बाय करवाई थी, और 140 में हम एग्जिट कर गए थे, यानी कि कुल 35 पॉइंट लेकर हम एग्जिट कर गए थे। क्यों लेकर एग्जिट कर गए थे? क्योंकि गाइस जो इसका प्रीवियस लो है, वो उसका प्रीवियस लो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर उसको तोड़ देता है गाइस तो सॉरी गाइस, अगर वो उस लेवल को तोड़ देता है, यानी कि जो ये हायर लोज बना रहा था, वो उस पैटर्न को ब्रेक करके अब ये हायर लोज और लोअर लोज लोअर हाइज बनाना शुरू कर देगा, तो ये मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाएगा। सो मेरे हिसाब से क्या मैंने स्ट्रैटेजी मार्केट में फॉलो करी, मैंने देखा कि जैसे ही इसने इस लाइन को टेस्ट करा, मैंने वैसे ही ऑप्शन बाय करवा दी, जो लेवल था उसी में मैंने ऑप्शन बाय करवा दी, और वहीं से मैंने देखा कि एक अपमूव आई मार्केट पे। जब हमने देखा 310-320 रुपये की गिरावट थी, वहां से वो एक बार रिकवर भी करा था, 220 पॉइंट तक भी आ गया था, मतलब 100 पॉइंट वहां से रिकवर कर गया था, तो वो जो 100 पॉइंट मैंने 5 मिनट के अंदर कैप्चर करे, उससे मैंने कॉल के थ्रू पैसा कमा लिया। अब गाइज हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, बेसिकली जो मैं मान के चल रहा हूँ, वो मान के चल रहा हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाने का मतलब है कि मुझे लगता है कि एक हैवी बाइंग आ सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, बट अगर ये उसके ऊपर नहीं निकलते हैं, दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलती है, और कल भी हम देखते हैं कि इसके नीचे क्लोजिंग होती है, सो गाइज मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं वो बहुत वीक हो रहे हैं, टेक्निकल्स बहुत वीक हो गए हैं, हमें अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा बाय साइड में से, और हमें एक सेलिंग पोजिशन इनिशिएट करनी पड़ेगी गाइज। इसी तरीके से मैंने आपको 5 स्टॉक्स भी समझा दिए, बैंक निफ्टी निफ्टी भी समझा दिया। अगर अब आपको इसको रिटेन में चाहिए, क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस है, साथ में ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, साथ में आपको गोल्ड में क्या होने वाला है, क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, अब डॉलर में देखना चाहते क्या होता है, कौन से सेक्टर्स है जो लाइमलाइट रहने वाले, तो आप मेरे आर्टिकल पे जाके देख सकते हैं, मैंने आर्टिकल अपलोड कर दूंगा, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। जो आर्टिकल का लिंक है गाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके वॉच करिए, नोट करिए, आप देख सकते हैं गाइज। ये आर्टिकल जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो सबसे पहले एडिट होता है, जो investing.com के जो हेड हैं वो सबसे पहले एडिट करते हैं वहाँ पे, और उसके बाद वो देखते हैं कि जो मैंने लिखा है अगर वो परफेक्ट लिखा है तभी वो उसे पब्लिश करते हैं। गाइज अगर मेरे पास जो मेरा रिस्पॉन्स है आर्टिकल्स का, जो मैं आर्टिकल अपलोड कर रहा हूँ, उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ रहा है गाइज, इतना अच्छा आ रहा है कि वो एडिटर्स चॉइस में आ रही है, और साइड बाय साइड मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल्स में मेरा आर्टिकल शो कर रहे हैं गाइस, देख सकते हैं मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल्स में मेरे आर्टिकल्स शो कर रहे हैं, मतलब आप देख सकते हैं ये बंदा अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और दो मेरे हैं इनमें से। सो गाइस इसका मतलब क्या है, कुछ मैं आपको अच्छी न्यूज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं आपको कुछ अच्छी रिसर्च प्रोवाइड करा रहा हूँ कि सब लोग मेरे आर्टिकल्स को पॉपुलर मान रहे हैं और मेरे को शो मान रहे हैं। सो गाइस इसी के साथ मैं आप लोगों का भी इंक्रीज करना चाहता हूँ नॉलेज, और साइड बाय साइड मैं अपनी भी इंक्रीज करना चाहता हूँ। अगर आपको ये फोर्थ पॉइंट
इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है मार्केट की गिरावट और बढ़ने में, और यूएस मार्केट पूरी वर्ल्ड की मार्केट्स के लिए ये फोर्थ पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो गाइस फिर आपने आर्टिकल के बारे में क्या देखा। आपको आर्टिकल्स पे मैं कुछ फालतू चीज़ें लिखकर नहीं देता हूँ, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखकर देता हूँ। ज़रूर वॉच करिए गाइस, जितना हो सकता है आप शेयर करिए। यहाँ पर आपको फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, मेल के थ्रू आप सब हर जगह शेयर कर सकते हैं, और मेरी आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज ज़रूर करिए गाइस। इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो उस वीडियो को लाइक करके आर्टिकल पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं नीचे जाके, और मैं आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।